नमस्कार दोस्तों, बीपीएन न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार भोग, डायरेक्टर एंड रुचि फरिया। साथियों, जैसे कई प्रकार की खबरें आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं, आज हम पहुंचे हैं गांव रतनथड़ में और रतनथड़ के जो सरपंच है दो योजना रहे भाई जय भगवान जी। और जय भगवान जी, एक सरपंच होने से पहले ये पूरा ही परिवार सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेवा में ज़्यादा विश्वास करते हैं, छत्तीसगढ़ बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला परिवार है। तो आज हम भाई जय भगवान जी से जानना चाहेंगे कि अभी तक 8-9 महीने हो गए आप लोगों के चार्ज को छीने, गांव में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, गांव की विकास गति कितनी रुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने आपके गांव में या आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए। जय भगवान भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो जय भगवान भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप हमारे चैनल पर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो जय भगवान भाई, कैसी योजना रही आपकी ये बताइए, कौन सी योजना आपकी? ये जो दोबारा 2016 में चुनाव होने के बाद बीजेपी सरकार थी जी है, अब प्रेजेंट में भी, तो ये योजना इतनी बढ़िया नहीं कह सकते जी, क्योंकि सरकार बीजेपी के अंदर हमारे गांव के काम बहुत कम हुए जी, और हमने भरकस प्रयास किया पर फिर भी ज़्यादातर नाकामयाबी हाथ लगी जी। उसमें ये भी नहीं है कि गांव की तरफ से बीजेपी को अच्छी वोटें दी गई, MLA बनाए गए जी, पर फिर भी गांव की तरफ बहुत कम ध्यान रहा है। अच्छा, और जो पंचायत का फर्ज होता है भाई MLA मंत्री तक प्रस्ताव पारित करके पहुंचाना जी, उसमें हमने कोई खामियाजा नहीं किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, उसमें बढ़ चढ़ के हमने प्रस्ताव दिए, अपनी मांगे रखी, पर इतने अच्छे से काम नहीं हो सकते जी। तो जगवंत जी, आज भी शायद कोई पंचायत रखी थी गांव में? आज भी ये पंचायत थी, अपने युवा साथियों ने पंचायत की थी और दुखी होके पंचायत की जी, क्योंकि गांव में प्राकृतिक आपदा का पानी इतना हो चुका है जी, जी, और हमारा गांव रतनथड़ फ्लड घोषित गांव है जी, और काफ़ी बार इस गांव ने इस आपदा का सामना किया है। सन 1977 में फ्लड आई, चारा गांव डूबा, 95 में फ्लड आई, अब आपकी बार भी इतनी ज़बरदस्त बारिश है, उससे पूरे गांव की फसल, जमींदारों की फसल बर्बाद हो चुकी है जी, और लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। जिन गरीब आदमियों ने अपना तन मन से कमाई करके, मेहनत मजदूरी करके घर बनाए थे जी, वो घर आज डैमेज हो रहे हैं। पर सरकार से भी हमने अनुरोध किया, मौके पर तहसीलदार SDM भी बुलाए, कोई प्रभाव नहीं, एप्लीकेशन ले ली गई, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज भी हमारे गांव के अंदर प्रेजेंट में इतना पानी खड़ा है, जो ढाणियों के अंदर 1977 में घर बस गए थे, अब वो गांव में तो आना, हर रोज आना पड़ता है, स्कूल में बच्चों को आना पड़ता है, 5-5, 4-4 फुट रास्तों के अंदर पानी खड़ा है, वो रास्ते भी नहीं बन सके। हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए, खूब संघर्ष किया, पर सरकार का रवैया ठीक नहीं लगा। तो जगमोहन भाई, एक भी आप एक जिम्मेदार भी हैं और किसान देश का अन्नदाता है, पूरे विश्व का अन्नदाता है। बिल्कुल, 8-9 महीने से किसानों का एक आंदोलन चल रहा है और सरकार उस पर तस्से बस नहीं हो रही है, क्या करना चाहेंगे इस पर? देखो पत्रकार साहब, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, क्योंकि देश का जो किसान इस देश को उठाने का काम करता है जी, और आज बड़े शर्म की बात है कि 9-10 महीने से वो रोड के ऊपर हड़ताल करे बैठे हैं जी, पर सरकार अपने 3 कानूनों को लेकर अड़ी हुई है। चलो ठीक है, सरकार फैसला दे, कभी दे, वैसे तो सुनवाई इनको तुरंत करनी चाहिए। बिल्कुल। सरकार का काम है पब्लिक की आवाज को सुनना और उस पर गौर करके उस पर फैसला देना जी। चलो फिर भी मान लेते हैं ये फैसला नहीं दे रहे, तो किसानों को सांत्वना दे के उनको रोड से उठाए और भरोसा दे के उनको रोड से उठाए, ताकि कितना बड़ा आघात पहुंचा है सभी को, हमारे देश के करीब 800 के लगभग किसान शहीद हो चुके हैं, तो कितनी बुरी बात है। सरकार को इस पे विशेष तौर पर सोचकर विचार करके कदम उठाना चाहिए जी, पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है, ये बहुत गलत बात है। तो सर,
अभी दो योजना आप सरपंच रहे तो जब भगवान जी आगे की अभी इलेक्शन होने बाकी है तो चेयरमैन के लिए सोच रहे हैं आप या पार्षद जी के लिए सोच रहे हैं? देखो पत्रकार साहब, जनता जनार्दन है जी। दो योजना गांव राम ने बड़ा सहयोग किया है मेरा, अच्छी वोटों से मेरे को गाँव का सरपंच चुना है और मैंने भी अपना तन मन धन इस गांव के लिए सींचा है और बढ़ चढ़ के सार्वजनिक काम किए हैं। चाहे 50 साल पुरानी मांग नहर की थी, उसको पूरा किया दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। हमारे गांव के अंदर स्कूल को अपग्रेड करवाया, +2 का स्कूल करवाया, 3 फैकल्टी और लगातार 8 साल से सेंटर चल रहा है हरियाणा बोर्ड का, और बहुत से गाँव में काम किए। और अब जो कदम उठाया है गांव राम की इजाजत से ही मैंने पंचायत करके कदम उठाया है कि पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता हूं जी। और अपने 18 गांव लगते हैं, 18 गांव में मैंने डोर टू डोर किए हैं जी। बहुत अच्छा प्यार आशीर्वाद मिला है भाईचारे से जी। और पहले तो चुनाव पार्षद का, उसके बाद जो फैसला होगा चेयरमैन के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे जी। और जनता की सेवा करनी है उसके लिए अपन कितनी बड़े से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे।